हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार और सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के मॉडल सेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी का आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह के हर एक मॉडल सेट का आंसर की पाना चाहते हैं और अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर जरूर रखिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 जो एनुअल एग्जामिनेशन आप लोगों का फरवरी में होगा उसका जो है मॉडल सेट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा और ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और इससे पहले मैं आपको फिजिक्स का प्रोवाइड करवा दिया हूँ आंसर की, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है फिजिक्स मॉडल सेट का भी आंसर की देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा कि 2020 से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट से 60% ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें आपको केवल 50% ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है तो उसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब ही देना होगा। 60 में से किसी 50 का देंगे, अगर आप 50 से ज़्यादा देते हैं तो पहला जो 50 प्रश्न होगा उसी का मार्किंग किया जाएगा। अब जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में जो है वो आपके 70 नंबर के थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा जो आपके एग्जाम हॉल पे होगा और 30 का प्रैक्टिकल होगा जिसमें आप कॉपी भी तैयार करेंगे तो उसका 10 नंबर होगा और साथ में प्रैक्टिकल देंगे तो वो 20 अर्थात 30 नंबर का टोटल आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव जो 70 नंबर में पूछे जाएंगे वो 42 ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको केवल 35 ऑब्जेक्टिव्स ही बनाने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब आपको देना होगा, प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो एक नंबर के होंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट टाइप में जो है 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 आपको बनाना होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दो नंबर के होंगे। और लॉन्ग टाइप जो है 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं जिसमें आपको केवल 3 प्रश्न का जवाब देना होगा, ये 5 नंबर्स के होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका आंसर देखते हैं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सुचालक है। दोस्तों मैं चूँकि इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम में आपको जितने भी आपका जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर बताऊँगा, आप जो है हिंदी से उसको मैच कर लेंगे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर, जो है कौन जो है अच्छा सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप समझ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा जो गुड कंडक्टर है वो कॉपर है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कॉपर। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर, जिसे आप अर्धचालक कहते हैं। तो ये सेमी कंडक्टर जो होता है वो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं सिलिकन, ये जो है सेमी कंडक्टर है। और इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, ये सब जो है कंडक्टर है। तो सिलिकन जो है ये अर्धचालक है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सिलिकन। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अर्थात इसमें पूछा गया है कि कौन ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर आश्रित नहीं होता है। तो जो आप सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं मोलालिटी, जिसे मोलालता कहा जाता है, तो ये जो है आंसर आपका सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या है। तो ये जो सोडा वाटर है ये सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर, वाटर में जो है CO2 गैस का विलयन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, अर्थात ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन, तो इसमें से किसका प्रयोग आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन PbSO4, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि PbSO4 का प्रयोग हम जो लोहा होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, अर्थात लोहे में जंग लगने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें क्या होती है, तो वो मॉइस्ट एयर होता है जिसको आप मॉइस्चराइजर भी कहते हैं, आर्द जो है वायु होती है, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं अर्धवायु, अर्थात नमी युक्त वायु भी इसको कहा जाता है। तो मॉइस्ट एयर जो है इसका आंसर होगा, मॉइस्ट एयर की उपस्थिति में ही जो है लोहे में जंग लगती है। फिर आगे देख सकते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अर्थात सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये चार ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ दिया गया है, क्लोरीन, उसके बाद है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आई, ये आयोडीन है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, आयोडीन, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये जो है आप याद रखेंगे ये हैलोजन ग्रुप से जो है आते हैं, ये तीनों हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। तो आगे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलिक बॉन्ड इज फॉन्ड। तो यहाँ पे दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलिक बॉन्ड इज फॉन्ड, मतलब किस में जो है मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है, धात्विक बंधन जो है इसमें, चार ऑप्शन है इसमें किस में पाया जाता है, तो मेटलिक बॉन्ड नाम से ये स्पष्ट है, मेटलिक बॉन्ड, तो मेटल से ये जो है पाया जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मेटल। फिर आगे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार इज, तो सिनेबार जो है वो HGS का ही नाम है, सिनेबार, तो HGS इज अ सिनेबार, या सिनेबार इज HGS हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, जो बाहरी सबसे अंतिम होगा कन्फिग्रेशन, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 हो गया, और पी में क्या होगा 4 होगा, तो 2s2 2p4, आप देख सकते हैं दूसरे कक्षा में 2s2 2p4 होता है, तो यहाँ पे 2s2 2p4 ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम इज, तो नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैग्नीशियम का, आपको पता होगा मैग्नीशियम जो है Mg से लिखा जाता है, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2, उसके बाद हो जाएगा 2p6, तो 6 4 10 हुआ, उसके बाद 3s2 होगा, तो देखिए अंतिम कक्षा अर्थात तीसरे कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ये इसका ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे दिया गया है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, मतलब पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो ये डम्ब वेल होता है, आप डमरू जानते हैं डमरू के आकार का होता है, तो ये डम्ब वेल होता है, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्ब वेल, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज कास्टिक सोडा, दोस्तों कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला, ये आप देख सकते हैं NaOH होता है, जो आण्विक सूत्र होता है ये NaOH होता है, इसी में अगर आपको पूछ दिया जाए धोने वाला सोडा, तो यहाँ पे देख सकते हैं Na2CO3 10s2O होता है धोने वाले सोडा का, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं, तो यहाँ फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कास्टिक सोडा NaOH को कहा जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो है पोटास एलम इज अ, तो पोटास एलम जो है ये डबल साल्ट है, डबल साल्ट अर्थात युग्म लवन है, युग्म लवन है, पोटास एलम जो है ये डबल साल्ट है। फिर देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज, तो कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है डायमंड में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो sp3 हो जाएगा, sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का डायमंड में। अब देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है द नेम ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पे देख सकते हैं जो है स्ट्रक्चर दे दिया गया है और इसका बताना है कि ये कौन से कंपाउंड का नेम है, तो यहाँ देख सकते हैं सी जो है, यहाँ आप ये सी हुआ, तो सी टोटल 6 है, 6 हो गया, उसके बाद सभी में एक एक हाइड्रोजन होगा, तो एच जो है वो 5 हो जाएगा और OH होगा, तो C6H5 और OH जो होता है ये आपको पता होगा फिनॉल का सूत्र होता है, तो ये फिनॉल हो जाएगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा C6H5OH आएगा, इसको जब आप लिखेंगे आण्विक सूत्र के रूप में, और ये फिनॉल का सूत्र होता है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, तो दोस्तों आपको पता होगा बेंजीन जो है वो C6H6 होता है, इसका आण्विक सूत्र जब आप फॉर्मेशन करेंगे तो 6 आएगा, उसके बाद आपको मैं आपको जो है फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6 होगा, तो आप ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो देख सकते हैं पाई बॉन्ड जो है 1 2 और 3 पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, तो 3 इसका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन।
फिर आगे देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर, तो व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस जो है वो एलोट्रॉप्स है अर्थात अपर रूप है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती होगी, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो अपटूडेट मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप देख सकते हैं दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अबंडेंटली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो दोस्तों ये जो है ये एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है धरती पे। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर नन बाय विच नेम, तो देखिए मैंने आपको बताया था ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, तो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये हैलोजन, सी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, तो नन बाय विच नेम, तो हैलोजन के नेम से भी इसको जाना जाता है, हैलोजन ग्रुप का ये एलिमेंट है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन जो है, एथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स, तो पॉलीमराइजेशन के बाद जो एथीन जो देता है वो पॉलीथीन देता है, पॉलीथीन, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, पॉलीथीन। फिर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन जो है, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम ऑन हीटिंग फॉर्म्स, तो जो मिक्सचर होता है सोडियम बेंजोएट और ये सोडा लाइम का, इसे गर्म करने पर ये जो देता है ये बेंजीन देता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, बेंजीन। फिर आगे देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो ये जो है बेंजीन देता है, इट फॉर्म्स बेंजीन, ये जो है बेंजीन फॉर्म्स करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, तो दोस्तों इनर्ट गैस जो है वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन है, तो इसमें जो है देख सकते हैं आप बी नंबर ऑप्शन नियॉन, तो ये इनर्ट गैस है, बाकी देख सकते हैं ये जो है या तो मेटल होगा या फिर गैस होगा या फिर नॉन मेटल होगा, तो यहाँ पे नियॉन आप देख रहे हैं ये इनर्ट गैस है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, तो ये जो है सेल्यूलोज, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, डी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, तो ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड क्या देता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एफ ई एच टू ओ होल फाइव एन ओ एस ओ फोर, तो इसमें जो है एफ ई का ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई इन, तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर जब आप एफ ई का निकालेंगे फॉर्मूला के आधार पे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है सी आएगा +3, तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा +3। फिर आगे देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेटिंग लीजेंड, चिलेटिंग लिगेंड, तो चिलेटिंग लिगेंड जो है वो 1,2 इथिलीन डाइएमीन जो होता है वो चिलेटिंग लीगेंड होता है, तो इसका आंसर ए होगा। फिर आगे देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन COC2O4 होल 3 और 3-, तो इसका जो होगा कोबाल्ट का, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन जो इक्वेशन आप देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन +3 जो है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर का जो फॉर्मूला होता है जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब इसमें कौन ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप यहाँ पे एजी सिल्वर देख रहे हैं ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है। आगे देख सकते हैं NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या अर्थात द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni निकेल इन NiCO4 इज, तो इसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है निकेल का NiCO4 में वो जीरो होता है। आगे देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, द शेप ऑफ XeF4 इज, तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका आकार जो होता है XeF4 का ये स्क्वायर प्लेनर होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिजॉल्व्स इन H2SO4 टू फॉर्म ओलियम, तो इसमें जो है कौन सा गैस जो है वो डिजॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है
H2SO4 में ओलियम प्राप्त करने के लिए। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा ये SO3 हो जाएगा। SO3 गैस जो है वो डिजोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है। फिर आगे देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, विच टाइप ऑफ ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। आपने पढ़ा होगा फेन उत्प्लावन विधि। तो इसमें दिया गया है विच टाइप ऑफ ओर का मतलब अयस्क होता है। तो इज कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसका जो आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का वो आपका सल्फाइड हो जाएगा। सल्फाइड जो है वो कंसंट्रेटेड किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 35 नंबर क्वेश्चन जो है, द चीफ ओर ऑफ आयरन इज। देखिए ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये बार बार पूछा जाता है। तो जो प्रमुख अयस्क होता है आयरन के लिए ये आपको FeO3 होता है, FeO3। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड होता है। तो FeO3 हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि HCOOH, यहाँ पे COOH मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल होता है। तो इसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा द IUPAC नेम ऑफ HCOOH। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ये मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एक है और आपको पता है कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट ऐसे पढ़े होंगे, तो चूंकि कार्बन एक है तो मिथेनोइक एसिड निश्चित रूप से होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, कीटोन ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4 बाय H2O गिब्स। तो ये जो देता है ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 37 का आंसर बी होगा। आगे देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन जो है, द चीफ ओर ऑफ कॉपर इज। तो कॉपर का जो चीफ ओर होता है, प्रमुख अयस्क होता है, वो कॉपर पाइराइट होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ वाटर। तो इसका जो हो जाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड विथ वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन जो है, द IUPAC नेम ऑफ CH3CO CH3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन जो है वो 3 है। तो यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला इसका डेरिवेशन करें, और आपको पता है कि CO जो होता है वो कीटोन ग्रुप का अभिक्रियाशील समूह है। तो यहाँ पे हो गया कार्बन का 3 परमाणु। तो आपको पता होगा मिथ इथ प्रोप 3 के लिए प्रोप का यूज़ करते हैं, और कीटोन ग्रुप है तो प्रोपे नून हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं ए हो जाएगा, प्रोपे नून। फिर आप देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोनोसेकेराइड हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लास्ट वन क्वेश्चन जो है, CH3COOH एक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं CH3COOH इज अ। तो ये जो है मोनोबेसिक एसिड है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, ये जो है मोनोबेसिक एसिड है एक प्रकार का। तो दोस्तों ये रहा आपके टोटल जो 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी का आंसर। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।